In the given question, an infinite long hollow cylinder of inner radius r by 4 and outer radius r carries a direct current. Means हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास एक hollow cylinder है और ये जो मैंने आपको दिखाया है वो है hollow cylinder का cross section, यानी कि कोई ऐसा cylinder है हमारे पास ये वाला और ये हमारा अंदर का पार्ट है वो hollow है, right? तो ये मैंने hollow cylinder का cross section यहाँ पर दिखाया है और जो अंदर का पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, उसका जो रेडियस हमें दिया है वो दिया है r by 4. अभी मैं इसको बोल देता हूँ a. सो हमें a दिया है, a is equals to r by 4. फिर एंड आउटर रेडियस r, ये जो बाहर का रेडियस है उसका, बाहर वाला ये, राइट? सो ये बाहर का जो रेडियस है आउट वाला वो हमें दिया है r, उसको हम लोग बोल देते हैं b. सो b is equals to r. हमें क्या करना है, इफ़ द करंट डेंसिटी इज़ j, करंट डेंसिटी दी है जे. अब करंट डेंसिटी क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? सो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा जे इंटू ए. अभी आगे क्या दिया है, देन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ आर बाई टू डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की एक्सिस से हमें कोई पॉइंट लेना है डिस्टेंस आर बाई टू पे. यहाँ पर मैंने दिखाया है ये वाला. हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो सपोज इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा P. सो यहाँ पर R हो गया हमारा जो डिस्टेंस है वो हो गया R बाई टू, यानी कि डिस्टेंस R बाई टू पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है, B क्लोज इंटीग्रेशन डॉट dl is equals to mu naught I enclosed. I enclosed यानी कि जितने पोर्शन में करंट एनक्लोज है, जहाँ पर हमने पॉइंट लिया है, हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है तो इस पोर्शन में कि जितना करंट एनक्लोज है वही करंट लेना है. लेकिन हम देखें तो ये जो अंदर का पार्ट है वो होलो है, अंदर के पार्ट में तो कोई करंट है ही नहीं, बराबर. तो क्या करना है हमें, उस पार्ट का जो एरिया है वो हमें रिमूव कर देना है, राइट? माइनस कर देना है. तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट का एरिया निकाले, ये जो मैंने शेडेड किया है, ये वाला पार्ट का अगर हम एरिया निकाले तो उसका एरिया कितना होगा इस वाले पार्ट का. सो एरिया इज इक्वल्स टू, पहले बड़े वाला पार्ट का एरिया ले लेते जिसका रेडियस आर है, ये वाले पार्ट का, राइट? तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, अंदर वाले पार्ट का एरिया माइनस करेंगे, ये वाले पार्ट का एरिया माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर. सो हमारा एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो यहाँ पर, और ये जो बी डॉट डी एल है, ये वाला बी डॉट डी एल है वो क्या है, यहाँ पर हमने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है वो डी एल है. अभी इसको लेंथ एलिमेंट, सॉरी नॉट करंट एलिमेंट, डी एल लिया है करंट लेंथ एलिमेंट, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा सर्कल मिल जाएगा तो वो हो जाएगा टू पाई आर. सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई टू पाई आर, और यहाँ पर आई की जगह हम लोग जे ए लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू, आई की जगह लिखेंगे जे इंटू ए डिवाइड बाई टू पाई. अभी आर कितना हो जाएगा, अगर हम आर देखें तो ये जो नीचे वाला आर है ये आर कितना हो जाएगा. सो ये जो आर है वो है हमारा r बाई टू, दिया है यहाँ पर, देखो r बाई टू हमें ऑलरेडी दिया है. सो हम लोग अब सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, म्यू नॉट इंटू जे इंटू ए, एरिया एरिया कितना लेना है हमें, पाई इंटू आर स्क्वायर. अभी r कितना दिया है, r बाई टू, सो r का स्क्वायर, अभी पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर डिवाइड बाई 4, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल्स टू r बाई टू है इसलिए, माइनस a, a कितना है हमारे पास r बाई 4, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, यानी 16 हो गया, डिवाइड बाई, इसको अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड बाई क्या दिया है यहाँ पर, 2 पाई इंटू आर बाई टू. सो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर बाई टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा. सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे इंटू, क्या बचा हमारे पास, आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 16, तो ये जो एलसीएम है इन दोनों का वो एलसीएम हो जाएगा 16,
और ऊपर हो जाएगा 4r² माइनस आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3r² और यहाँ पर एक नीचे r बचा था तो वो यहाँ पर लिख दिया मैंने r, सो r एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो क्या हुआ यहाँ पर 3 म्यू नॉट j डिवाइड बाय, और यहाँ पर एक r भी है, डिवाइड बाय 16, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 म्यू नॉट जे आर बाय 16। ऐसे कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशंस और ट्रिक मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, तो ऐसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे।